भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को मुद्दा बनाकर शाहजहाँपुर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर धरना दिया। सभी तहसील मुख्यालय पर धरना देकर सपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराया। धरने की सफलता को लेकर स्पीड तहसील मुख्यालय पर एकजुट हुए और भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 अक्टूबर को सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना देने का ऐलान कर दिया। शांतिपूर्ण धरने के दौरान सपा नेताओं प्रदेश में फैली बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बनाया। धरने की सफलता के लिए सभी निर्वात्मक पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि यूपी में कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी मांगें पूरी ना होने पर पार्टी के निर्देश पर हम लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। तनवीर खान ने बताया कि आज जिले के सभी तहसील पुवाया, सदर, जलालाबाद, कालन, तिलहर सहित सभी ब्लॉकों पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देशों को मानते हुए धरना प्रदर्शन किया और आगे भी जैसे निर्देश दिया जाएगा वैसा ही होगा। प्रदेश की तमाम जन समस्याओं को लेकर हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश की सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें हमारे किसानों से जुड़ी समस्याएं हैं, नौजवानों से जुड़ी समस्याएं हैं, छात्रों से जुड़ी समस्याएं हैं और महिलाओं से जुड़ी समस्याएं, व्यापारियों से जुड़ी समस्याएं हैं। आज जो प्रदेश के अंदर पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। आज कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, हर परिवार समाज जो असुरक्षित है। अगर कोई सड़कों पर महिलाएं निकल रही है, सरेआम दिन दिहाड़े महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, बच्चियों के साथ खुलेआम लूट हो रही है, चैन स्नेचिंग हो रही है और लूट, डकैती, कत्ल, हत्या, तमाम संगीन जुर्म इस प्रदेश के अंदर, ये अपराधों का प्रदेश बनकर रह गया। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधों की सरकार है। तो इस भ्रष्ट, निकम्मी, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज पूरे प्रदेश में तहसील स्तरीय धरना किया जा रहा है। शाहजहांपुर की 5 तहसीलों पर धरना हो रहा है। हम लोग इस समय तहसील सदर में यहाँ